प्रकाश के त्योहार दीपावली के लिए अभी 6 दिन रह गए हैं, लेकिन बाजारों में त्योहार की रौनक अभी से देखने को मिल रही है। सजावट के सामान से लेकर कपड़ों और दिवाली के सामान तक हर चीज की जबरदस्त बिक्री हो रही है। लेकिन त्योहार पर खरीदारी के साथ साथ जरूरी है मुहूर्त के अनुसार पूजन। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने धनतेरस में पूजन विधि बताई है। उनका कहना है कि इस विधि से पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दीपावली में और धनतेरस में दोनों में विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा प्रधान, लक्ष्मी और कुबेर की पूजा प्रधान होती है। जिस दिन धनतेरस लगती है तो उस दिन निश्चित है कि सभी लोगों को देवी लक्ष्मी की स्थापना करके, लक्ष्मी की मूर्ति रख करके और कुबेर की मूर्ति रख करके यह पूजा जो है सायंकाल प्रारंभ करना चाहिए। अब की जो 13 है वो 10 तारीख को पड़ रही है, 10 तारीख को सायंकाल, तो सभी जो लोग भक्त इस प्रकार से धन की इच्छा करते हैं, जश और सुख शांति की इच्छा रखते हैं, तो धनतेरस के दिने यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए, और उसी दिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई सामान खरीदते हैं, और जो भी सामान सोना चांदी का हो या किसी वस्तु का हो, विशेषकर सोना चांदी के पात्रों को या उसके जो बनते हैं गहने वहने, ये सब खरीदना चाहिए और इसी के उनको फल मिलता है। तो इसलिए लक्ष्मी का वास हमारे यहाँ हो, सुख शांति मिले और हमारे जो बच्चे हैं वो सुख से रहें, ऐसी सुख शांति के लिए ही लक्ष्मी की पूजा, गणेश की पूजा और कुबेर की पूजा, इन 3 देवताओं की धनतेरस के दिन किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने दिवाली पर भी बात की है और इस त्योहार के महत्व को बताया है। दीपावली जो है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, प्रकाश आवे और अंधकार दूर हो, तो जो जहाँ पर भी यह दीप उत्सव मनाया जाता है, विशेषकर भगवान राम के विजय के पश्चात अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में यह दीप प्रज्वलित करके और उनका स्वागत किया था भगवान राम के आगमन का। उसमें माता सीता भी रहीं और लक्ष्मण जी थे और राम जी थे। तीनों जब विमान से उतरते हैं और अयोध्या वासियों को पता चलता है, तो सबसे प्रथम उनकी जो स्वागत है, सम्मान है कि हमारे प्रभु इतने दिनों के बाद बनवास से लौटे हैं और विजय करके आए हैं, इसलिए हम दीप प्रज्वलित करके और उनका जो है मणिमाणिकों से दी हुई, नहीं है कि केवल दिया जला दिया हो तेल छोड़ करके, बल्कि उन लोगों ने जो अयोध्या के लोगों ने स्वागत किया था वो मणिमाणिक में प्रकाश होता है, उनको थाल में सजा करके जो अयोध्या की नारियां रहीं वो भगवान के सामने उपस्थित होती हैं और उसी से उनकी आरती उतारती हैं, और सभी अयोध्या के लोग यह अपने अपने घरों में उसी उत्सव के रूप में दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीप जलाते हैं। गौरतलब है कि इस बार दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को पड़ रहा है, वहीं धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले 10 नवंबर को है।